हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आइनॉक्स लीजर के बारे में। यह है आइनॉक्स लीजर का डेली चार्ट, फिलहाल 212 पे है। ऊपर की तरफ अगर देखें तो 510 तक गया था ये स्टॉक, उसके बाद कंटिन्यूस डाउनसाइड। 25 फरवरी 2020 को हाई बनाया है 510 के पास, उसके बाद से आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनसाइड। यहाँ पे जो डाउनसाइड बनता नज़र आ रहा है वो एक कर्व आप देख सकते हैं जो ट्रेंड चला आ रहा है। जब तक ये पॉजिटिव नहीं होगा तब तक अपसाइड देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज भी टच होके नीचे की तरफ वापस मूव हो चुका है ये स्टॉक। क्लियर अपसाइड एक देखने को नहीं मिला है अभी तक इस काउंटर में। अगर आपको बाय करना है तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम बात करेंगे। मूविंग एवरेज 228 के ऊपर, तो अगर 228 का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो ही एक अपसाइड देखने को मिलेगा इस काउंटर में। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 250 पे है, सुपर ट्रेंड पे। इसके ऊपर क्लोजिंग देगी तो एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। ये नेगेटिव हुआ था 410 के पास, 410 पे नेगेटिव हुआ था सुपर ट्रेंड, उसके बाद से नेगेटिव होने के लिए एक बार भी पॉजिटिव की तरफ गया ही नहीं है। ये कंटिन्यूस नेगेटिव ही चल रहा है, तो अभी अगर निवेश करना चाहते हो तो थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल एक बॉटम बनता नज़र आ रहा है 200 पे, 200 के लेवल्स पे थोड़ा क्वांटिटी ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो छोटी क्वांटिटी ऐड कीजिए, ज़्यादा एक साथ बाई मत कीजिए, क्योंकि करेक्शन पता नहीं अभी और कितना लंबा चलने वाला है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इस काउंटर के बारे में ये है कि जो मूविंग सुपर ट्रेंड है मंथली चार्ट पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है ये। ये आप देख सकते हैं अभी एक बार भी नेगेटिव हुआ ही नहीं है। यहाँ पे एक बार कोशिश ज़रूर की थी बट उसके बाद ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो लेवल्स है 190-194 का, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके नीचे मंथली चार्ट पे क्लोजिंग नहीं देना चाहिए इस काउंटर को। अगर ऐसा होता है तो डाउनसाइड और भी देखने को मिलेगा, बट 194 पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर आपको 210 से 194 के रेंज में बाई करने मिलता है तो छोटी छोटी क्वांटिटी में ऐड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डाउनसाइड चला आ रहा है, कोई पॉजिटिव इंडिकेशन है नहीं। यहाँ पे जो मई मंथ का कैंडलस्टिक बन रहा है वो एक ग्रीन ज़रूर दिख रहा है फिलहाल के लिए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जैसा कि कर्व के हिसाब से मैंने आपको बताया वो अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। छोटी क्वांटिटी में ऐड कीजिए और हो सकता है कि नीचे और जाए। 194 का लास्ट एक स्टॉप लॉस रखें और उसके हिसाब से ही अपनी ट्रेडिंग प्लान कीजिए, क्योंकि आइनॉक्स लीजर का जो चार्ट है वो बहुत ही नेगेटिव कंटिन्यूस डाउनसाइड ही देखने को मिल रहा है, कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर सेफ रहना है तो 228 के ऊपर ही बाई करें, तब तक इस प्राइस को नीचे जाने दें अगर जा रहा है तो, क्योंकि जैसे जैसे स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा मूविंग एवरेज और सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव होता रहेगा, नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो उसके साथ ही फॉलो कीजिए और उसी हिसाब से अपना ट्रेडिंग प्लान कीजिए। एक साथ सारी क्वांटिटी बाई मत कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा रिवर्सल देखने को मिलता है, लेकिन फिर से स्टॉक प्राइस नीचे आने लगता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, और छोटी क्वांटिटी में बाई करेंगे तो फ़ायदेमंद रहेगा, एक साथ बाई नहीं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।